श्वेता के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा, जिसमें हर बार हम एक नए सेगमेंट पे बात करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने इनफर्टिलिटी पे बात की थी और आज हम बात करने वाले हैं स्पाइनल डिफॉर्मेटिव के लिए, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुनील बीसेन जी, जो न्यूरो एंड स्पाइनल सर्जन है। तो सीधे ही आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर स्पाइनल डिफॉर्मेटिव क्या होता है। तो आइए बात करते हैं सुनील बीसेन जी से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में सर। धन्यवाद सर। आज हम लोग स्पाइनल डिफॉर्मेटिव पे बात करने वाले हैं और हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आखिर ये स्पाइनल डिफॉर्मेटिव होता क्या है। स्पाइनल डिफॉर्मिटी को हम लोग हिंदी में रीढ़ की विकृतियां कह सकते हैं और आम भाषा में इसको कूबड़ कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। एक कूबड़ जो सामने को झुका हुआ, जो कि ज़्यादातर लोग देखते हैं कि कूबड़ सामने को रीढ़ झुकी हुई होती है, और एक जो कि साइड को झुका होता है। हिंदी में हम लोग दोनों को कूबड़ ही कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जो सामने को झुका होता है उसको काइफोसिस कहते हैं और जो साइड को झुका होता है उसको स्कोलियोसिस कहते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, इसका ये जो आपने स्पाइनल डिफॉर्मेटिव के जो भी हैं वो क्या कारण होता है जिस वजह से ये चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं? इसके मल्टीपल कारण हैं। जो सबसे कॉमन है, वैसे तो कुछ मरीजों में ये जन्म से होता है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी आधी बनी हुई हो और रीढ़ में कुछ और परेशानियाँ होती हैं जिनमें डायस्टोमेटोमाइलिया, एक उसको समझा पाना वैसे मुश्किल होगा, इसी तरह बहुत सी बीमारियां होती हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन है वो इडियोपैथिक एडोलेसेंट स्कोलियोसिस होता है, जो कि हम लोगों को जीवन के दूसरे दशक में होता है और सबसे कॉमन यही है। इसके अलावा रीढ़ में ट्यूमर, रीढ़ की इस मेरुदंडिका के ट्यूमर में भी स्कोलियोसिस हो जाती है। और ये बच्चों की बात हुई। उसके बाद बुढ़ों में हो सकता है कि डिजेनरेटिव, जैसे हमारी उम्र के साथ हड्डियों का डिजेनरेशन शुरू हो जाता है, सभी अंगों का डिजेनरेशन होता है, तो उसकी वजह से डिजेनरेटिव होता है, ट्यूमर्स की वजह से होता है। टीबी के बाद भी काइफोसिस और स्कोलियोसिस दोनों हो जाती है और चोट लगने के बाद भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं, जैसे अभी आपने कुछ कारण बताए हैं कि किस कारण वर्ष हमारे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, अगर हम इनके लक्षण जो हैं, अगर उन लक्षण को अगर हम समझ लें, टाइम से अगर इनको देख लें, तो हम इन चीज़ों से बच भी सकते हैं। तो क्या लक्षण ऐसा होता है जिससे आदमी जान पाए कि ये इस तरीके की स्पाइनल डिफॉर्मेटिव की चीज़ें होने वाली हैं, तो अगर वो समय रहते अगर इसका ट्रीट करा लेगा तो उनको सुविधा रहेगी? जो कंजेनाइटल हैं, जो जन्म से हैं, उनमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप समय पे उनका पता कर लें कि हाँ बीमारी है, इन्वेस्टिगेट कर लें, डिस्कस कर लें और उस हिसाब से इलाज, एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लें तो इलाज हो जाएगा। लेकिन जो और बाकी जो बुढ़ापे वाली हैं उनमें भी समय के साथ ही की बात आती है। लेकिन जो सबसे जो समाज में जिसके बारे में ज्ञान नहीं है और जो मिस हो जाता है और लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, वो है ये दूसरे दशक वाली इडियोपैथिक एडोलेसेंट स्कोलियोसिस, क्योंकि यही सबसे कॉमन भी है। और इसमें अगर समय पे आपको पता लग जाए तो इलाज संभव है। तो ज़्यादातर इसमें लड़कियां होती हैं, ये 10:1 का रेशियो है लड़कियों लड़कों के बीच में, और करीब 9-10-11 साल के आसपास रीढ़ अचानक टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। शुरू में तो थोड़ा बहुत टेढ़ापन पता भी नहीं लगता है, और या तो कभी माँ बाप कपड़ा बदलते हुए बच्चे को देखें, नहलाते धुलाते हैं, किसी कहीं कपड़ा नाप करवाते पे, उसी समय ज़्यादातर शुरू में पता लगता है, क्योंकि 30-25-30 डिग्री तक टेढ़ा जो है वो कपड़ों के बीच में छुपा रहता है और पता भी नहीं लगता है बाहर से। जब बहुत बढ़ जाता है तभी पता लग पाता है घर वालों को कि हाँ रीढ़ टेढ़ी हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी एक चीज़ बोली कि ये लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसका क्या रीज़न है कि लड़कियों में ये ज़्यादा चीज़ अफेक्ट करती है? ये बता पाना तो बड़ा वो है क्यों होता है और ना वो जानते हैं, लेकिन ये देखा ये गया है कि ये करीब नॉर्मली हम लोगों की रीढ़ जो स्कोलियोसिस की हम बात कर रहे हैं, जो साइड को जो बेंड होता है, उसमें
हमारी नॉर्मल रीढ़ जो है वो बिल्कुल सीधी होती है आगे से अगर आप देखिए तो, लेकिन 10 डिग्री तक का टेढ़ापन नॉर्मल होता है, नॉर्मल माना जाता है, और 10 डिग्री से ज़्यादा का टेढ़ापन करीब करीब समाज में 2% लोगों में प्रेजेंट होता है 10 साल से 16 साल की उम्र के बीच में, और यही 30 डिग्री से ज़्यादा जो होता है वो 0.2% लोगों में होता है, और 10 डिग्री तक का तो लड़के लड़कियों में बराबर होता है, लेकिन वही जब 30 डिग्री की बात आती है तो लड़के लड़कियों के बीच में देखा जाता है कि जो इसका प्रोग्रेशन है वो लड़कियों में ही ज़्यादा होता है, 10 गुना ज़्यादा होता है, तो 10:1 का रेशो हो जाता है। और वही जब 40 डिग्री से ज़्यादा होता है, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब 40 डिग्री टेढ़ापन हो जाता है तब हम लोगों को सोचना होता है कि इसके ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो वो 10 गुना लड़कियों में, शुरू में सब में 10 डिग्री तक सब में बराबर है, लेकिन प्रोग्रेस खाली लेडी लड़कियों में ज़्यादा करता है, लड़कों में कम करता है। इसके बहुत से कारण हैं, जन कंजेनाइटल वो है एक, दोनों मेल फीमेल का डिफरेंस है जिसकी वजह से ये प्रोग्रेस करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको जज करने के लिए किस तरीके के आप उसको टेस्ट करते हैं, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं जिससे पता चलता है कि पर्सन ये स्पाइनल डिफॉर्मेटिव का शिकार है? मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लें कि हम समाज में क्या ऐसा करें जिससे कि हम समय पे इसको पकड़ सकें, तो इसके लिए विदेशों में बहुत से कंट्रीज़ में स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जैसे हमारे यहाँ स्कूलों में आँख टेस्ट करना और पोलियो और इस तरह के स्क्रीनिंग होती है कि आँख के टेस्ट करने के प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, उसी तरह उनके यहाँ बच्चों का, लड़कियों का 11 और 13 साल की उम्र में स्कूल में ही स्पेशलिस्ट आते हैं और वो 2 मिनट के अंदर चेक हो जाता है। एक बच्चे को देखने में 2 मिनट भी, 1 मिनट भी नहीं लगता है। उसका एक टेस्ट होता है, बच्चे को सीधा खड़ा करके और उसको सामने इसको झुकने को कहा जाता है, तो जिस तरफ से, क्योंकि जब रीढ़ साइड को टेढ़ी होती है तो एक तरफ से पीछे को उठ जाती है, तो जब आप किसी को सामने को झुकने को कहें और पीछे से देखें तो एक तरफ की रीढ़ ऊपर होगी, एक तरफ की नीचे होगी, तो ये इसको कहते हैं एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट। ये बहुत सिंपल है। तो मेरा अपना मानना है कि बच्चे, अगर हमको समय पे इन बच्चों को, बीमारी को पकड़ना है बच्चों में, और लड़कियों को बहुत रीढ़ टेढ़ी होने से पहले इनका समय पे इलाज करना है, तो कहीं ना कहीं स्कूल से इस प्रोग्राम को जोड़ना जरूरी है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, क्या मतलब जैसे नसों और मांसपेशियों में भी अगर कुछ बीमारियां हैं तो क्या उससे भी ये चीज़ें क्रिएट होती हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा बात बताई आपने। जैसे पोलियो के मरीजों में, पोलियो में नसों में कमजोरी हो जाती है, तो पोलियो के इस वजह से एक पैर कमज़ोर हो जाता है, एक पैर में ज़्यादा ताकत होती है, तो उसमें रीढ़ टेढ़ी हो जाती है, उसकी वजह से स्कोलियोसिस डेवलप हो जाता है। इसी तरह मसल डिस्ट्रॉफी होती है जिसमें हमारे मसल्स कमज़ोर होते हैं, हैं बचपन से कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, ये भी तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो उसमें भी स्कोलियोसिस डेवलप हो जाती है। जी मतलब ये है कि अगर घर में किसी को अगर ये प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से दूसरे पर्सन को भी हो सकता है। देखा ये गया है कि अगर एक लड़की आपके, अगर किसी के एक से ज़्यादा लड़की हैं और एक लड़की के स्कोलियोसिस है, तो दूसरी लड़की के जरूरी नहीं हो, लेकिन समाज में जो परसेंटेज है इसका कि इतने में इतनों के होता है, तो जहाँ पे जिन लोगों के यहाँ ये देखा गया है कि अगर एक बेटी को है तो दूसरे में होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और अगर माँ को है तो बेटे को, बच्ची को, बेटी को भी होने के चांसेस नॉर्मल से ज़्यादा हैं। जी अच्छा, तो मतलब ये है कि एक जेनेटिक, जैसे वो होता है कि अगर जेनेटिक से कहीं जुड़ा हुआ है, हमारे जेनेटिक से जुड़ा हुआ है कि अगर घर में अगर माँ को है तो देन अपनी बेटी को और बेटे को भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये है कि हम मतलब जैसे अमूमन क्या होता है कि घर में हम बैठे हैं तो हमें आइडिया नहीं है कि हमें इस तरीके की बीमारी है या होने वाली है, तो क्या चीज़ नोटिस करना चाहिए, किस तरीके से नोटिस किया जाए कि हम किस टाइम पीरियड में डॉक्टर से कंसर्न करें? टाइम पीरियड मैंने आपसे बताया, लड़कियों के लिए इसीलिए 11 साल और 13 साल की उम्र में विदेशों में चेक किया जाता है कि जो, जैसे 11 साल में ज़्यादातर बच्चे 5वें क्लास में होते हैं, चौथे या 5वें क्लास में होते हैं, तो उन बच्चों का एक बार साल में चेक कर लिया जाता है, और जिन बच्चों को उनमें पॉजिटिव पाया जाता है उनको फिर हर 6 महीने पर फिर चेक किया जाता है, और उन्हीं बच्चों का, सब बच्चों का 13 साल की उम्र में भी एक बार चेक करा जाता है।
लेकिन लड़कों का उतना नहीं किया जाता, लड़कों को एक बार, क्योंकि वहाँ चांसेस कम हैं होने के, इसलिए लड़कों को बस एक बार देख लिया 13-14 साल की उम्र में, अगर टेढ़ापन नहीं है तो नहीं है मान लिया जाता। अच्छा, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए, उसके रिगार्डिंग किस तरीके का ट्रीटमेंट रहता है, क्या ट्रीटमेंट प्रोसेस रहता है, किस तरीके से उन पर्सन को हम नॉर्मल कर सकते हैं, क्योंकि जिनके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की? सबसे पहले तो अगर किसी के हो गया है तो डिपेंड करता है, हमारे पास जब मरीज आएगा तो वो किस स्टेज में आया है, कितना टेढ़ा होने के बाद आया है। अगर थोड़ा टेढ़ापन है और उम्र कम है तो आप इंतज़ार करेंगे, आप उसको ब्रेस पहनाएंगे, जैसे कि एक जैकेट टाइप की चीज़ होती है जिसमें कि जिस जगह पे रीढ़ बाहर की तरफ को जा रही है उधर से उसमें दबा के, उसको दबाने का, जगह जगह पे दबाने के और दूसरी तरफ ढील, मतलब लूज छोड़ने का एक जैकेट होता है जो कि पॉलीप्रोपाइलिन का बना होता है, और उससे थोड़ा बहुत रुकता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं रुकता है। तो अगर हम समय गेन करना चाहते हैं या जिस बच्चे को अभी इतना नहीं टेढ़ा हुआ है कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, उसमें इन सब चीज़ों का रोल है। इसी तरह बहुत छोटे बच्चे जब होते हैं, 1.5 साल 2 साल 3 साल तक के, तो उनमें POP का जैकेट भी पहना दिया जाता है, प्लास्टर का जैकेट बना दिया जाता है। ये सब बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है, बहुत थोड़ा सा इफ़ेक्टिव है, इनकी यूज़फुलनेस डाउटफुल है। और कभी कभी तो ये भी होता है कि हम लोग जैकेट थोड़ा सा टेढ़ा है, जैकेट पहना दिया और वो मरीज को लगने लगता है कि हम सीधे हो गए, क्योंकि जैकेट उनको कसे रहता है, और आप डॉक्टर को दिखाना आपने बंद कर दिया। मेरे पास बहुत से मरीज के एक्सरेज हैं जिनको एक बार वो दिखाने आए और 35-40 डिग्री 40 डिग्री का कर्व है, आपने सोचा चलो जैकेट पहन लो, और उन्होंने सोचा अरे अब तो हम ठीक हो गए, बिल्कुल सीधे दिख रहे हैं, और पता लगा 1-2 साल बाद आए और पता लगा 30-40 डिग्री बढ़ चुका है। तो इसका डाउटफुल वो है, बट जगह जहां हमको समय इंतज़ार करना होता है कि अभी ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है, या डाउटफुल है कि ऑपरेशन की ज़रूरत अभी है भी कि नहीं है, तो वहां पे इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अच्छा, जो आपने अभी एक ट्रीटमेंट जो बताया कि ब्रेसेस पहना देते हैं, ब्रेसेस पहनाने के बाद मतलब कितने टाइम पीरियड तक, एक तो वो पहनना पड़ता है उसको, और उसको पहनाने के बाद क्या किसी पर्सन को मतलब कुछ और अपने काम में जो मूवमेंट्स हैं उसमें कोई दिक्कत होती है क्या? अब हम यहाँ हमारे पास दिखाने को तो नहीं है, लेकिन वो जैकेट ज़्यादातर कपड़े के अंदर पहन लिए जाते हैं और बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हाँ आदमी दूर से कुछ तो अंदाज लगा ही सकता है कि बच्चा कुछ पहन रखा है, और काम तो करने में उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। बट गर्मी बहुत होती है क्योंकि जैकेट वो पॉलीप्रोपाइलिन का बना होता है, एक दिन बिल्कुल इम्परमिएबल होती है, हवा आती जाती नहीं है, तो हमारे एनवायरनमेंट में थोड़ा सा पहनने में गर्मियों में दिक्कत तो मरीजों को बहुत ज़्यादा होती है। तो वो कितने टाइम पीरियड तक पेशेंट को, जितने दिन, जितनी देर दिन भर मरीज बिस्तर से बाहर है उसको पहनना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि आपने एक वो ट्रीटमेंट है, ये एक टाइम, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये टाइम गेन करने की बात है कि अगर हम किसी को वेट कर रहे हैं कि हमें 6 महीने बाद ऑपरेशन करना है, जैसे अगर हमारे पास कोई 12 साल की बच्ची आती है, नॉर्मली हम चाहेंगे कि उसकी हाइट हमने देखी है कि अभी हाइट ठीक नहीं बढ़ी है, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद क्या हाइट थोड़ा सा एक इशू होता है कि वो हड्डियां आपस में बंध जाने की वजह से उनकी ग्रोथ थोड़ी हैम्पर हो जाती है, बढ़ नहीं सकती जितनी हड्डियाँ आपने ऑपरेट कर दी हैं। तो कोशिश होनी चाहिए कि जब ग्रोथ, जैसे लड़कियों की हाइट बढ़ना 15 के बाद करीब करीब 99% तो ग्रोथ हाइट बढ़ चुकी होती है, फिर तो बहुत थोड़ी सी बढ़ती है, तो कोशिश होगी कि 15 साल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर 13 साल पे कोई आया है और उसके बहुत बढ़ी हुई है, टेढ़ापन है, तो फिर 15 का वेट नहीं होगा। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कि कब किसको ऑपरेट होना चाहिए, ऑपरेट होना कब चाहिए, कितने डिग्री पे होना चाहिए, वो एक अलग प्रश्न है। मतलब ये है कि ऑपरेशन के पहले ये ब्रेस पहनाया जाता है, ऑपरेशन के बाद भी पहनाया जाता है, जिससे कि थोड़ा सा मरीज को सपोर्ट मिला रहता है। जी, जी। थोड़े दिन के लिए ब्रेस बाद, ऑपरेशन के बाद भी पहनाते हैं, एक 3-4 महीने तो बाद में भी पहनाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने ऑपरेशन बताया है, और इस ऑपरेशन के बाद क्या किसी तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस उनको फेस करने पड़ते हैं? देखिए, रीढ़ का ऑपरेशन अपने में, लोग समाज में एक बहुत डर होता है रीढ़ के ऑपरेशन से,
हैं, वो समय के साथ रीढ़ के ऑपरेशन अब बहुत सेफ़ हो गए हैं और इतनी साइंस डेवलप हो गई है कि पहले फालिश होना बहुत कॉमन था, लोग बहुत डरते थे कि ऑपरेशन के बाद हाथ पैर चलेंगे कि पैर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो समय तो अब नहीं रह गया है। लेकिन हाँ, हादसे अभी भी होते हैं और कोई भी सर्जरी पूरी तरह से सेफ नहीं हो सकती। दूसरी बात, ये ऑपरेशन बहुत लंबे होते हैं, बहुत समय लेते हैं, लंबा समय होता है, तो बेहोशी के खतरे होते हैं, वो अपनी जगह अलग हैं। तो फालिश का खतरा होता है, बेहोशी की लंबी बेहोशी का खतरा होता है, मेनली तो यही खतरे हैं ज़्यादा। तो ये जो आपने एक ड्यूरेशन बताया कि काफ़ी लंबा समय लगता है, तकरीबन कितना टाइम पीरियड लग जाता है? ऑपरेशन 6-7-8 घंटे से कम नहीं लगता है। मतलब अच्छा, 6-7 घंटे बाद जो ऑपरेशन होता है उसके बाद भी कुछ रिक्वायर्ड पड़ती है पर्सन को मैं एकदम नॉर्मल कंडीशन में आने में, या और कुछ सेकंड स्टेज कोई होती है कि सेकंड स्टेज सर्जरी आज के दिन कुछ वो दो स्टेज में सर्जरी बहुत थोड़े से मरीजों में की जाती है जिनमें किसी बच्चे का, देखिए ऑपरेशन कब करते हैं, अगर किसी मरीज में 30 डिग्री टेढ़ापन है और वो ग्रो नहीं कर रहा है, नॉर्मली ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसमें ऑपरेशन नहीं होना है क्योंकि 30 डिग्री बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई 40 डिग्री है और ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है टेढ़ापन, या 25 डिग्री है लेकिन साल भर के बाद आपने देखा कि ये 30 हो गया, तो इसमें आप फिर बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, आप जल्दी ऑपरेट कर देंगे। तो कभी कभी अगर किसी का बहुत ज़्यादा एंगल हो गया है, टेढ़ापन कम उम्र में हो गया है, तो उस केस में आपको शुरू में कुछ ऐसे, और मरीज की हाइट अभी बढ़ी नहीं है, तो वहाँ पे कुछ ऑपरेशन ऐसे किए जाते हैं जिनमें कि समय के साथ ग्रोथ के साथ वो ऑपरेशन की भी, उनके जो इम्प्लांट लगाए जाते हैं, जो उनको स्टेबलाइज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं, वो या तो उसी के साथ साथ ग्रो करें और या उनको समय के साथ हम चेंज करते रहें। उसमें कई तरह के प्रोसेस हैं, तो वहाँ 2-3 सर्जरी की बात होती है, बट अदरवाइज तो सिंगल स्टेज सर्जरी होती है। अगर मरीज 15 साल से ऊपर हो गया है, 14-15 साल हो गया है, तो फिर नॉर्मली एक सिंगल स्टेज सर्जरी में काम चल जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या सिर्फ सर्जरी ही एक उपाय है, या कोई मेडिसिन के थ्रू या हम योग के थ्रू भी इसको मैनेज कर सकते हैं? योग के बारे में तो मैं बहुत नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ये पहले माना जाता था और ज़्यादातर लोग इसको मानते थे कि अगर किसी का जिस समय सर्जरी बहुत डेवलप नहीं थी इस बीमारी की, तो उस समय लोग वो करते थे कि मसल डेवलप करो, खूब एक्सरसाइज करो, तो ये रुक जाएगा। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, और योगा भी, मेरे ख्याल से योगा को हम एक तरह की एक्सरसाइज ही तो मान सकते हैं, तो ज़्यादा उसके बारे में नहीं कह सकता, योगा वाले ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उससे इसका कोई लेना देना नहीं, कोई इलाज नहीं पॉसिबल। हर एज ग्रुप का एक पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया होता है उसके लिए, हर एक ग्रुप का, कि इस तरीके इस पोस्चर में एक आपको एक योगा करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जिस तरीके से बेंड हो सकते हैं, बड़े उतने बेंड नहीं हो सकते। मुझे नहीं लगता कि इसका योगा से ये बीमारी बढ़ती है या घटती है, मुझे नहीं लगता कोई, मतलब आप अगर ये कहना चाहती हैं कि गलत योगा करने से ये बीमारी हो जाती हो, क्या आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, मतलब मेरे ख्याल से नहीं, जिसके होनी है उसके होगी। अच्छा, और एक हमारा आखिरी सवाल ये था कि क्या ये खान पान से भी अफेक्ट करता है, कि क्या खान पान से इसका कोई लेना देना नहीं है, कि खान पान ये है, और अगर जो ये मरीज इसमें सफर कर रहे हैं, किसी तरीके का विशेष कोई ध्यान देना चाहिए, किस अलग से कोई उनके लिए गाइडलाइंस होती हैं? अगर मेरे ख्याल से इसमें एक वो है कि हम लोगों को इसको देख, मरीज किसके घर में, किस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, उसको पहले देखना ज़रूरी है। जैसे कि होता क्या है, या तो आपकी रीढ़ टेढ़ी हो रही है, तो आप अर्ली सबसे पहले घर में अगर आप देखें कि किसी बच्चे का एक कंधा ऊपर और एक कंधा नीचे है, या गर्दन एक तरफ को टिल्ट हो रही है, या एक तरफ का सीना थोड़ा सा आगे को या पीछे को, दूसरे से आगे पीछे है, या पीठ पे शोल्डर ब्लेड्स जो हैं वो थोड़े से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पीछे से आप देखें हल्का सा आगे पीछे है, तो उस केस में हम लोगों को, या पीठ में दर्द हो रहा है,
तो उन पेशेंट्स में हम लोगों को उनको जल्दी से एग्जामिन करके और कहीं स्पेशलिस्ट की राय लेने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपसे चाहूँगी आखिर में हमारे प्राइम टीवी के व्यूअर्स को एक मैसेज। रीढ़ की विकृतियाँ समाज में अनकॉमन नहीं है, जैसा पहले समझा जाता था कि ये बहुत रेयर है, ऐसा नहीं है। करीब करीब 2% लोगों को 10 डिग्री से ज़्यादा की रीढ़ का टेढ़ापन होता है, और करीब 0.1% मतलब 1000 में से एक व्यक्ति को 40 डिग्री से ज़्यादा टेढ़ापन होता है। तो इसका मतलब करीब करीब 1000 में एक व्यक्ति को इलाज की ज़रूरत होती है, इन दी फॉर्म ऑफ सर्जरी ऑल्सो। सो ये बहुत, और जितना जल्दी इलाज आप शुरू कर दें उतना अच्छा है। जितनी कम टेढ़ापन, अगर आपके घर में किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको जल्दी से जल्दी इलाज कराएं, ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन कराएं, क्योंकि जितना ज़्यादा टेढ़ा हो जाएगा उतना करेक्ट कम होगा, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि आपके घर में कोई बच्ची है जिसका एक कंधा चलते समय ऊंचा नीचा है, बैठते समय वो एक तरफ को टेढ़ी होकर बैठ रही है, या इस तरह का कोई टेढ़ापन कहीं से नज़र आ रहा है, तो एक बार स्पेशलिस्ट को जरूर दिखवा लें। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। आज के हेल्थ मंत्रा में हमने न्यूरो और स्पाइनल सर्जन डॉक्टर सुनील बिसेन जी से बात की, जिन्होंने हमें स्पाइनल डिफॉर्मेटिव के बारे में काफी कुछ जानकारी दी। उम्मीद है आपको आज की जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। आज तक हेल्थ मंत्रा में बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।